वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब धीरे धीरे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, अक्टूबर महीना खत्म हो चुका है और नवंबर में दिवाली और बाकी फेस्टिवल्स होंगे, तो उनको काउंट ना करते हुए अगर हम एग्जैक्टली काउंट करें तो आपके पास 2 से 2.5 महीने ही बचे हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो तैयार हो जाइए एग्जाम्स को फाइट करने के लिए। और बिल्कुल भी कोरोना के भरोसे हमें रहना नहीं है, क्योंकि अब कोरोना नहीं लौट के आने वाला। भारत में 100 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, तो अब ऐसी बिल्कुल आशंका नहीं है कि कोरोना वापस आएगा, आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में हमारा जो सेकंड चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल का प्रभुत्व का दौर जो था वो खत्म कर लिया था, और आज हम डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं कि इनको 2 एस्पेक्ट से मैंने सेलेक्ट किया है। पहला एस्पेक्ट तो ये है कि किस किस से क्वेश्चन, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्वेश्चंस को कैसे घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही एस्पेक्ट से हम क्वेश्चन तैयार करेंगे, और यकीन मानिए अगर ये सारे क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिए तो इससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाने वाला। बहुत ही सेलेक्ट करके और सारे टॉपिक्स में से सेलेक्ट करके मैंने क्वेश्चन ये यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले 3 आम चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में अधिक सीटें जीती थी, तो इनमें दूसरी नंबर पर रहने वाली पार्टी कौन थी? ठीक है ना, तो देखिए कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा है। मैंने अभी आपको यही कहा था ना कि हमारा पहला एस्पेक्ट यही था कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूसरे नंबर पर कौन सी रही थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कई बार बताना जरूरी होता है, तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें अलग 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 लीडर्स के बारे में बताया था जो कि आपकी बुक से लिया हुआ था, तो वो आपको जो भी ब्रैकेट्स दिए गए हैं, जो भी अलग से सेक्शंस दिए गए हैं, उनको छोड़ना नहीं है, उनको कवर करके चलना है। BJS या फिर भारतीय जनसंघ की शुरुआत श्यामला प्रसाद, कहीं श्यामला प्रसाद लिखा है और कहीं पर श्यामा प्रसाद लिखा है। ठीक है ना, तो अगर आप दोनों ही में से कोई नाम आता है आपके सामने तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की थी। ठीक है ना, 21 अक्टूबर 1951 को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस कांग्रेस वोन मोर सीट्स देन एनी अदर पार्टी, विच पार्टी स्टूड एट नंबर 2 ड्यूरिंग दीज इलेक्शंस। अब देखिए क्वेश्चन शुरू किया था कांग्रेस से, लेकिन खत्म कहां किया है कि दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी रही, तो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज देयर ऑन द सेकेंड पोजिशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ? द BJS वॉज स्टार्टेड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑन 21 अक्टूबर 1951 इन दिल्ली। तो ये इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार को बल दिया था? तो जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि कुछ दल जो थे वो लेफ्टिस्ट थे, कुछ राइटिस्ट थे और कुछ जो थे सेंट्रिस्ट, बल्कि कुछ क्या, सिर्फ एक कांग्रेस थी जो सेंट्रिस्ट थी। तो जो लेफ्टिस्ट थे उनमें कम्युनिज्म था, उनमें कम्युनिज्म था, और जो राइटिस्ट थे वो ज्यादातर नेशनलिज्म की बातें करते थे। तो आप सबको पता है नेशनलिज्म से रिलेट करती कौन सी पार्टी है इस समय, और उसकी रूट किस पार्टी में थी? उसकी रूट थी भारतीय जनसंघ में। तो इसका हम आंसर क्या देंगे? भारतीय जनसंघ। विच पॉलिटिकल पार्टी लेड एम्फेसिस ऑन द आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन? तो वो था भारतीय जनसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, या उसको इस तरह पूछ लिया है कि 1952 के आम चुनाव में कौन सी पार्टी पहली और कौन सी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी? ठीक है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा हेल्ड, और इट कैन बी आस्क लाइक विच पार्टी एमर्ज्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट पार्टी इन द 1952 जनरल इलेक्शन। तो दूसरे क्वेश्चन में वैसे तो इसका आंसर आ ही गया है, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, येट ये शुरू 1951 में हो गया था। मैंने जब चैप्टर बताया था तब भी आपको ये रिमाइंड करवाया था कि अक्टूबर 1951 में ये प्रोसेस शुरू हो गई थी,
बट बिकॉज मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1952, इसलिए हम इसको ही कंसीडरेबल ईयर मानेंगे. तो आपको अगर आंसर आता, क्वेश्चन आता है और दोनों ही मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में आया है और दोनों ही ऑब्जेक्ट्स दे दिए हैं, तो भी आपको क्या करना है, आपको 52 ही सेलेक्ट करना है. 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, कांग्रेस ने 364 सीटें जीती और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या CPI ने 16 सीटें जीती और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1952, कांग्रेस वॉन 364 सीट्स एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मीन CPI वॉन 16 सीट एंड एमर्ज्ड एज सेकंड लार्जेस्ट पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कब तैयार और हस्ताक्षरित किया गया और ये लागू कब हुआ. देखो दो क्वेश्चन है, दोनों को मिला के पूछा गया है. पहला क्वेश्चन है कि कब तैयार हुआ और हस्ताक्षरित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, संविधान का आए तो आपको पहले ये देखना है कि कब सिग्नेचर किए गए और कब उसको प्रिपेयर किया गया और कब उसको लागू किया गया. व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेडी एंड साइंड बाय मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हेन डिड इट कम इनटू इफेक्ट. So the constitution was ready and signed by the member of constituent assembly on 26th of November 1949 and it was came into effect on 26th of January 1950. आप सब जानते हैं इसके बारे में. तो अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष का नाम बताइए और 1948 के बाद इस पार्टी को क्या नाम दिया गया. ठीक है ना, क्वेश्चन सिंपल सा है. नेम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, व्हाट नेम वाज गिवन टू हिज पार्टी आफ्टर 1948. या भारत के उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जिसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने स्वतंत्रता से पहले की. देखिए एक ही क्वेश्चन है, उसको घुमा के कैसे पूछा गया है. Name the political party of India which was founded by Acharya Narendra Dev before independence. ये बहुत important party इसलिए है क्योंकि इसकी स्थापना independence से पहले ही कर दी गई थी. भारत में Congress Socialist Party का गठन कब हुआ, ये सीधे से तरीके से पूछा गया है. When was the Congress Socialist Party formed in India? तो इन तीनों questions का एक ही जवाब है और वो क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने 1948 में की थी और पार्टी का नाम 1948 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में रखा गया. द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय आचार्य नरेंद्र देव एंड द पार्टी वॉज नेम्ड आफ्टर 1948 एज कम्युनिस्ट पार्टी. तो तीनों चीजें, किसने स्थापना की, कब की और बाद में इसका नाम बदल के क्या रखा गया. ठीक है ना, तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है. उसके बाद में देखिए फिर वही बात है कि क्वेश्चन को किस तरह से थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बना दिया जाता है. भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार कब और कहां बनी थी. When and where was the first non-Congress state government formed after India's independence? उसके बाद इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि मार्च 1957 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में को किस राज्य में हार का सामना करना पड़ा, या फिर इन विच स्टेट डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फेस डिफीट इन मार्च 1957 इन असेंबली इलेक्शंस, या फिर इसको तीसरे एस्पेक्ट से कैसे पूछा जाएगा, लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से विश्व में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी कब और कहां सत्ता में आई. देखिए एक ही आंसर है लेकिन उस क्वेश्चन को तीन तरह से पूछा गया है. वेयर एंड व्हेन डिड द कम्युनिस्ट पार्टी के कम इन पावर इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. सो इन तीनों का आंसर क्या है, मार्च 1957 के विधानसभा चुनाव में केरल में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. केरल विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी ने 126 में से 60 सीटें जीती और ये जीतकर जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और पहली बार सत्ता में आई. कांग्रेस पार्टी फेस डिफीट इन केरला इन मार्च 1957 असेंबली इलेक्शंस. द कम्युनिस्ट पार्टी वॉन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द केरला लेजिस्लेचर विनिंग 60 out of 126 सीट्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनसंघ के चुनाव चिन्ह क्या थे. अभी हम क्या देखते हैं, कांग्रेस का तो हाथ का पंजा है और भारतीय जनता पार्टी का क्या है,
कमल का फूल है, लेकिन उस समय वो नहीं थे। तो 1952 के पहले आम चुनाव में दो बैलों का जोड़ा कांग्रेस पार्टी का प्रतीक था और दीपक जो दिया होता है वो भारतीय जनसंघ का प्रतीक था। इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 द पेयर ऑफ ऑक्सन वाज द सिंबल ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड अ लैम्प दीपक वाज द सिंबल ऑफ भारतीय जनसंघ। ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन को हम बाद में और ज्यादा एलोबरेट करके पढ़ेंगे। एक दलीय प्रभुत्व और एक दलीय व्यवस्था में अंतर लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम। देखो आप कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, हमने ऑफलाइन क्लासेस में जब हम कॉपी चेक करते हैं तो हमने देखा है कि बच्चे इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं, वो एक दलीय प्रभुत्व को और एक दलीय जो व्यवस्था है उसको एक ही समझ लेते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीइंग वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम। सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल स्थायी हो जाता है, मतलब वही होना है वही होगा, उसके अलावा कुछ और होगा नहीं। लेकिन डोमिनेंस जो होता है वो कभी भी स्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, डोमिनेंस हमेशा टेम्परेरी होता है। तो हो सकता है कभी किसी वजह से डोमिनेंस हो जाए, जैसा हमने जब आपने फर्स्ट की बुक पढ़ी थी तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि दो ध्रुव थे, एक तरफ यूएसएसआर एक तरफ यूएसए, तो दोनों का डोमिनेंस था अपने अपने देशों में। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर बिखराव हुआ, वैसे ही क्या हुआ, यूएसएसआर का डोमिनेंस खत्म हो गया। यानी डोमिनेंस जो होता है वो टेम्परेरी होता है, जबकि सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल व्यवस्थित होता है, बिल्कुल स्थायी होता है। एक पार्टी प्रभुत्व का सीधा मतलब यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पार्टी को ज्यादा वोट मिल रहे हैं, स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में जैसे कांग्रेस पार्टी को मिले थे। दूसरी ओर एक दलीय व्यवस्था का अर्थ है देश में केवल एक दल का ही अस्तित्व हो, दूसरा दल ही नहीं हो, जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी, उदाहरण इसको इस तरह से दे सकते हैं। वन पार्टी डोमिनेंस सिंपली मींस डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी इन द अर्ली इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द अदर हैंड पार्टी सिस्टम वन पार्टी सिस्टम मींस एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन पार्टी इन द कंट्री, नो अदर पार्टी इज एग्जिस्ट ओनली। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, ठीक है ना, तो कोई और पार्टी होगी ही नहीं, जबकि जब कांग्रेस का डोमिनेंस था उसके बावजूद भी पार्टीज तो खूब सारी थी, 48 में ही पार्टीज बन गई थी। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को कि किस तरह से वन पार्टी डोमिनेंस और वन पार्टी सिस्टम अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ ने किन दो मुख्य विचारों पर बल दिया, कौन सी ऐसी दो नीतियां थी जिनकी वजह से कांग्रेस से अलग होकर और भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ। भारतीय जनसंघ लेड एम्फेसिस ऑन विच टू मेन आइडियाज, क्या क्या मेन आइडियाज थे। पहला, अखंड भारत में भारत और पाकिस्तान का पुनर्मिलन हो जाएगा, और दूसरा, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र। ठीक है, सो द फर्स्ट नोशन वॉज रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत, एंड देन वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन का नोशन, ये भारतीय जनसंघ के विचार थे। उसके बाद 11th क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पूछा जाए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। लेकिन घुमा के क्यों पूछा जाता है, यू आर नॉट इन फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास, है ना, आप पांचवी छठी क्लास में, वो नहीं कि आपसे सीधा सीधा छोटा क्वेश्चन पूछ ले। अगर छोटा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो एक नंबर भी आपको बहुत घुमा के दिया जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि भारतीय जो संविधान सभा थी उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संविधान की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 12th क्वेश्चन है, आलोचकों ने क्यों सोचा कि भारत में चुनाव सफल नहीं होंगे। जब हमने पढ़ा कि चुनाव करवाने हैं तो उस समय कई सारे जो क्रिटिक्स थे उन्होंने साफ साफ कह दिया, बल्कि नेहरू को तो यहां तक कहा गया कि नेहरू जी अपने जीते जी भारत में ऐसी असफलता देखेंगे डेमोक्रेसी की कि वो उसको मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने किस बेसिस पर यह आलोचना की थी। व्हाई डिड द क्रिटिक्स थिंक दैट Elections in India will not be a success. Mention any two reasons. तो क्या क्या दो reasons हो सकते हैं? The first reason can be India was too poor and illiterate country. बहुत गरीब और अशिक्षित देश था. Till mid of the 20th century, many countries of Europe had not given uniform rights to all women. In this context, India's experiment with
यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी अपीयर्ड वेरी बोल्ड एंड रिस्की। ये बहुत शानदार रीजन है और आपको ध्यान में रखना है। अगर ये पूछा जाए कि बहुत बड़ी एक चीज जो भारत ने क्या लागू की थी अपने आजादी के शुरुआती समय में ही, भारत एक गरीब और अनपढ़ देश था, इसकी वजह से उन्होंने आलोचना की थी कि अब भारत को इतनी जल्दी डेमोक्रेसी लागू नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, 20वीं सदी के मध्य तक यूरोप के कई देशों ने भी सभी महिलाओं को या बाकी सबको एक समान मतदान के अधिकार नहीं दिए थे। ऐसे में अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, वो भारत ने लागू कर दिया तो ये प्रयोग बहुत ही साहसिक और बोल्ड भी था, बहुत जोखिम भरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 से 2004 के चुनाव तक कौन सी पार्टी लोकसभा में ताकत हासिल कर रही थी? मतलब 1989 से लेकर 2004 तक कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही थी, यानी 1989 से पहले उसका इतना अस्तित्व नहीं था और 2004 के बाद तो खैर वो पार्टी सत्ता में अभी आने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो गई थी। तो 1989 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी लोकसभा में ताकत हासिल कर रही थी। सिंस 1989 अंटिल द इलेक्शन ऑफ 2004 भारतीय जनता पार्टी वॉज गेनिंग स्ट्रेंथ इन लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, पहले तीन आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व ने भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने में कैसे मदद की? क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा ले पूछ क्या लिया, है ना। तो बहुत टिपिकल हो जाता है, खास करके तब जब आपने ह्यूमैनिटीज के ऐसे सब्जेक्ट लिए हों जो कि पूरी तरह थ्योरी बेस हों, जो कि पूरी तरह एक्सप्लेनेशन बेस हों, जो कि पूरी तरह जिनमें आपको जवाब वर्णनात्मक तरीके से देना होता है, तो ऐसे में क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, अपने आप में उलझे हुए जटिल प्रश्न हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले आम तीन आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व ने भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने में कैसे मदद की? किस तरह से जो कांग्रेस का डोमिनेंस था उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की, बताइए। डोमिनेंस भी है और डेमोक्रेसी भी ला रही है। हाउ डिड द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन इंडिया? सो डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन इंडिया इन फॉलोइंग वेज। क्या क्या तरीके थे? द कोएलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी टॉलरेटेड एंड इनफैक्ट एनकरेज्ड वेरियस फैक्शंस। सबसे बड़ा रीजन कांग्रेस का जो नेचर था वही था। और दूसरा, इट अकोमोडेटेड ऑल द शेड्स ऑफ द सेंटर, फॉर एग्जाम्पल द रेवोल्यूशनरी विद पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव्स विद रेडिकल एंड एक्सट्रीमिस्ट विद द मॉडरेट एंड द राइट विद लेफ्ट। यानी जो जैसा आ रहा है उसकी आइडियोलॉजी के साथ वैसे ही उससे बात की जा रही है। पहले तीन आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व ने निम्नलिखित तरीकों से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने में मदद की। पहला क्या किया, कांग्रेस पार्टी की गठबंधन प्रकृति ने बहुत सहन किया और वास्तव में विभिन्न गुटों को प्रोत्साहित किया। मतलब उन्होंने कभी किसी को दबाने की कोशिश नहीं की। इसके लिए हमने एक शब्द यूज किया था, ऑल इंक्लूसिव, सबको समाहित करने वाला जो नेचर था कांग्रेस का ना, उस नेचर ने बहुत हेल्प की। और दूसरा, इसने केंद्र के सभी रंगों को समायोजित किया, यानी कि शांतिवादी के साथ क्रांतिकारी, उनको समायोजित किया। कट्टरपंथी भी लोग थे तो रूढ़िवादी भी लोग थे, उदारवादी भी थे तो उग्रवादी भी थे, और जो लेफ्टिस्ट थे उनके साथ राइटिस्ट भी थे। तो इस तरह से कांग्रेस ने हर एक तरह की विचारधारा के लोगों को अपने साथ समाहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 के दशक में भारतीय विधानसभाओं में सांकेतिक प्रतिनिधित्व के बावजूद विपक्षी दलों ने क्या भूमिका निभाई? आप लैंग्वेज देख सकते हैं क्वेश्चंस की कितनी टफ आती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं हमेशा से आपको जब पढ़ाते हैं तो आपको यही कहते हैं कि आप इक्वली नोट्स पे ध्यान दीजिए और साथ ही साथ क्वेश्चंस पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आपको नहीं समझ में आएगी तो आप आंसर कैसे देंगे, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो 50 के दशक में भारतीय विधानसभाओं में सांकेतिक प्रतिनिधित्व के बावजूद विपक्षी दलों ने क्या भूमिका निभाई? सांकेतिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, कहने को, सिर्फ कहने को वो लोग वहां थे, तो फिर इसका मतलब ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी के थे, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभाई, वो कैसे? इन स्पाइट ऑफ टोकन रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेचर ड्यूरिंग द 50s
व्हाट रोल डिड द ओपोजिशन पार्टीज प्ले, तो फिर उन्होंने ऐसी क्या भूमिका निभा दी, तो द ओपोजिशन पार्टीज प्ले द फॉलोइंग रोल्स, दीज पार्टीज ऑफर्ड अ सस्टेन्ड एंड ऑफन प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड दिस कैप्ट द रूलिंग पार्टी अंडर चेक। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इन पार्टियों ने कांग्रेस की नीतियों और प्रथाओं की निरंतर और स्पेशली सैद्धांतिक आलोचना की, मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते थे। आजकल हम जो राजनीति देखते हैं ना, वो बहुत ही अपने स्तर से गिर गई है। मैं यहाँ से, क्योंकि एक शैक्षणिक मंच है, यहाँ से हम किसी के भी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं आजकल की राजनीति जो आप देखते हैं कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है, कि चाहे वो कांग्रेस की हो सरकार किसी स्टेट में, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो किसी स्टेट में, चाहे किसी और दल की सरकार हो किसी स्टेट में, दूसरा जो दल होगा, जो विपक्षी दल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ विरोध करेगा। ये नहीं है कि अच्छी बातों पे साथ दे, गलत बातों पे गलतियां बताए, और विरोध करने की बजाय सहमति बनाने की कोशिश करे कि चलो कुछ अच्छा आप मानो, कुछ अच्छा हम मानते हैं। लेकिन ये आज नहीं है, उस समय यही चीजें थी और यही वजह थी कि डेमोक्रेसी अपने पूर्ण रूप में उभर के सामने आई थी। इन पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और प्रथाओं की निरंतर और सैद्धांतिक आलोचना की पेशकश की, और साथ ही इससे सत्तारूढ़ दल को नियंत्रण में रखा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की विचारधारा की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, तो वही है, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार। और ये माना जाता था कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर देश आधुनिक, प्रगतिशील और मजबूत बन सकता है। सो इट एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन एंड इट बिलीव्ड दैट द कंट्री कुड बिकम मॉडर्न, प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग on the basis of Indian culture and tradition only. Next, Congress और जनसंघ की विचारधारा के प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, हम लगभग एक ही चीज पढ़ते हैं, लेकिन उस पर क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। कहीं आपसे ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम में क्या फर्क है, कहीं आपसे पूछा जाएगा कि इसकी आइडियोलॉजी और उसकी आइडियोलॉजी में क्या फर्क है, तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन को अलग कर देंगे। कांग्रेस और भारतीय जनसंघ के बीच विचारधारा का प्रमुख अंतर यह था कि भारतीय जनसंघ ने एक पार्टी, एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र, यानी हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व पर जोर दिया, जबकि कांग्रेस ने क्या किया, सामाजिक विविधताओं को समायोजित करते हुए वैचारिक और सामाजिक गठबंधन बनाए। द मेजर डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी बिटवीन कांग्रेस एंड भारतीय जनसंघ वॉज दैट भारतीय जनसंघ एम्फेसाइज ऑन वन पार्टी वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन आई हिंदू नेशन और हिंदुत्व, वेयर्स कांग्रेस फॉर्म्ड आइडियोलॉजिकल एंड सोशल कोएलिशन अकोमोडेटिंग सिविल डाइवर्सिटीज। सो दीज वर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस एंड आइडियोलॉजी ऑफ जनसंघ। 18th क्वेश्चन इज, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई और इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इसमें से एक चीज तो पूछी ही जाएगी। When was the election commission of India set up and who was the first election commissioner? भारत के चुनाव आयोग की स्थापना जनवरी 1950 में हुई थी और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इसके साथ ही आप ये याद रखेंगे कि 25 जनवरी 1950 में हुई थी और उसी दिन हम मतदान दिवस या मतदाता दिवस भी मनाते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेट अप इन 25th of January 1950 एंड सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 1967 तक कांग्रेस पार्टी अपना प्रभुत्व बनाए रखने में कैसे सफल हुई। देखिए, जो फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड हुए थे, जो पहले इलेक्शन लड़े गए थे, वो 1952 में हुए थे, ठीक है, 1952 और 1967 तक, यानी कि लगातार 15 साल, 15 साल का मतलब होता है एक टेन्योर लोकसभा का, एक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इस तरह से अगर हम माने तो 3 कार्यकाल लोकसभा के कांग्रेस ने डोमिनेंट किए थे। क्यों किए थे, उसका कारण क्या था और किस तरह उसने ये डोमिनेशन बनाए रखा, वो पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो आपको आंसर देते समय सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि क्या हुआ था और किस तरह से ये हो पाया था। 1967 तक कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के लिए कुछ कारण जिम्मेदार हैं। सबसे पहला, कांग्रेस पहले से ही एक सुव्यवस्थित पार्टी थी और जब तक कोई अन्य दल बाकी की रणनीति सोचते तब तक कांग्रेस ने अपना अभियान भी शुरू कर दिया था।
उसके बाद में कांग्रेस का स्थानीय स्तर तक एक संगठनात्मक नेटवर्क था, ठीक है, वो लोकल लेवल तक उनकी पहुंच थी। द कांग्रेस वॉज ऑलरेडी वेल ऑर्गेनाइज पार्टी एंड बाय द टाइम अदर पार्टीज कुड थिंक ऑफ अ स्ट्रेटजी द कांग्रेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स कैंपेन। दिस वॉज द फर्स्ट रीजन। एंड द सेकेंड इज कांग्रेस हैड एन ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क डाउन टू द लोकल लेवल। नेक्स्ट है भारतीय संदर्भ में एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है। अब आपसे सीधा सीधा पूछा गया, पहले तो पूछा था कि एक दलीय प्रभुत्व और एक दलीय व्यवस्था में क्या फर्क है, अब पूछा इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या अर्थ है। व्हाट इज मीन्ड बाय वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो गया है। तो एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ है 1952, 1957 और 1962, 1952, 57 और 62 में हुए पहले तीन आम चुनाव में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व। 1952 में कांग्रेस ने 489 और में से 364 सीटें जीती, 1957 में 494 में से 371 सीटें जीती और 1962 में 494 में से 361 सीटें जीती। यानी हर तरफ देखा जाए तो कांग्रेस का डोमिनेंस जो है, प्रभुत्व जो है, वो कायम रहा था। वन पार्टी डोमिनेंस मींस डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 1952, 1957 एंड 1962 इन बोथ लोकसभा एज वेल एज इन स्टेट असेंबलीज। इन 1962 कांग्रेस वॉन 364 सीट्स आउट ऑफ 389 सीट्स एंड इन 1957 371 सीट्स आउट ऑफ 494 एंड इन 1962 कांग्रेस वॉन 361 सीट्स आउट ऑफ 494 सीट्स। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो लगातार तीन आम चुनावों तक बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 के आम चुनाव में से लेकर 2004 के आम चुनाव में मतदान का तरीका कैसे बदल गया। देखो लगातार जो है इलेक्शन का जो तरीका था वो चेंज होता गया। कैसे वो चेंज होता गया, मतदान का तरीका 1952 से लेकर 2004 तक बिल्कुल बदल गया। वो कैसे बदल गया, पहले दो चुनावों के बाद बैलेट पेपर में सभी उम्मीदवारों के नाम और चिन्ह थे और मतदाता को उन उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाने की आवश्यकता थी जिन्हें वोट देना चाहते थे। और पहले दो में क्या था, बॉक्स रखे गए थे और खाली पेपर डालने थे उनमें। और 2004 तक पूरा देश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम में स्थानांतरित हो गया, मतलब पूरा देश ईवीएम से ही वोट दे रहा था। After the first two elections, the ballot paper carried the names and symbols of all the candidates and voter was required to put a stamp on the name of the candidate they wanted to vote for. And by 2004, the entire country had shifted to the electronic voting machines, aka EVMs. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज भी करने वाला क्वेश्चन है। देखिए कांग्रेस और बीजेपी या भारतीय जनसंघ में तो आप आराम से अंतर बता सकते हैं, लेकिन ये जो दो है ना, इनमें अंतर बताना बहुत मुश्किल होता है। समाजवादी और साम्यवादी दलों के बीच किन्हीं दो अंतरों की सूची बनाइए। अब समाजवादी और साम्यवादी, ठीक है ना, हमें तो लगा एक ही होंगे। लिस्ट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी समाजवाद में विश्वास करती थी, जबकि समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करती थी। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ द पार्टीज। कम्युनिस्ट पार्टी बिलीव्ड इन रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म, वेयर सोशलिस्ट पार्टी बिलीव्ड इन आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा का शीर्षक जो था वो सोवियत संघ और चीन की ओर था, ज्यादा झुकाव उनका, जबकि समाजवादियों का ऐसा कोई वैचारिक झुकाव था नहीं, ठीक है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टीज आइडियोलॉजी वॉज टाइटल्ड टूवर्ड्स द सोवियत यूनियन एंड चाइना, वेयर सोशलिस्ट हैड नो सच आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन। तो ऐसा कोई इंक्लिनेशन उनका था नहीं। तो ये दो इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूँ उनमें से एक आधी क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मतलब क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन की प्रकृति देख के ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये क्वेश्चंस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What is meant by coalition government? When was the coalition government formed for the first time in center? गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं और केंद्र में प्रथम बार गठबंधन की सरकार क्या कब बनी थी और किस तरह बनी थी? तो इसका क्वेश्चन इस तरह, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया जा सकता है, गठबंधन सरकार एक ऐसी सरकार है जो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर एक साथ आती है और 1977 में पहली बार केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी थी। एकदम एग्जैक्ट आंसर है इसका। कोएलिशन गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कमिंग टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन 1977 इन द लीडरशिप ऑफ मोरारजी देसाई द फर्स्ट कोएलिशन गवर्नमेंट वॉज हेल्ड इन द सेंटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व के उदाहरणों से क्या अलग करता है, क्या चीज है जो कांग्रेस को अलग करती है उसको समझाइए। हाउ वॉज द पार्टी वन पार्टी डोमिनेंस ऑफ इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही कभी कभी वन पार्टी डोमिनेंस रहा होगा, और भी जगहों पर रहा, तो उनमें डिफरेंट क्या है, उनमें अलग क्या है। भारत और दूसरे देश में एक दल में के प्रभुत्व में असमानता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हमेशा से बहुदलीय रही है, मल्टी पार्टी सिस्टम रहा है। 1952 से 1962 के दौरान हर चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव जीता। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में नियमित अंतराल पर चुनाव होते रहे। कई अन्य राजनीतिक दलों ने भी भाग लिया, लेकिन कांग्रेस नेताओं के करिश्माई प्रभावी और प्रेरक नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी की गौरवशाली विरासत ने भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को जारी रखा। चीन, क्यूबा, सीरिया और मेक्सिको जैसे जो देश हैं, वहां के देशों में संविधान केवल एक पार्टी के आधार पर देश में शासन करने की अनुमति देता है, वहां वन पार्टी सिस्टम है, डोमिनेंस नहीं है। लेकिन मेक्सिको की पीआरआई एक पार्टी है, मेक्सिको की पीआरआई ने लगभग 6 दशकों तक वहां पर हावी रही, लेकिन आखिरकार ये तानाशाही में बदल गई और इन देशों में अक्सर चुनाव में धांधली हेराफेरी होती और वो चुनावों को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते। लेकिन भारत में लगातार 15 साल तक एक ही पार्टी का प्रभुत्व होते हुए भी कभी भी कांग्रेस ने इस तरह से कोई कोशिश नहीं की कि चुनाव में हेराफेरी की जाए या फिर देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको नष्ट किया जाए या उसको अपने पक्ष में मोड़ा जाए, ऐसा कभी नहीं किया। वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज हैव डिसिमिलैरिटीज। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज मल्टी पार्टी सिस्टम। ड्यूरिंग 1952 टू 1962 इन एवरी इलेक्शन कांग्रेस पार्टी वॉन द इलेक्शंस। इलेक्शंस हेल्ड इन रेगुलर इंटरवल्स इन इंडिया इन फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर। Then many other political parties also participated, but charismatic, effective and inspiring leadership of Congress leaders and the glorious legacy of Congress party continued the dominance of the Congress party in India. In countries like China, Cuba, Syria and Mexico, constitution permit only a single party to rule the country. The Mexico's PRI dominated for about 6 decades. But finally, it turned into a dictatorship. In these countries, elections were often rigged and manipulated. But in India, all things have been done in the light of democracy. So this is the huge difference, or you can say the prominent difference between these two systems. कि भारत में कांग्रेस पार्टी ने प्रभुत्व के रखते हुए भी कभी उस प्रभुत्व का गलत फायदा नहीं उठाया, लेकिन दुनिया में बाकी कहीं भी जहां भी वन पार्टी डोमिनेंस हुआ वहां उन्होंने इस प्रभुत्व का फायदा बहुत उठाने की कोशिश की और यदा कदा वो लोग उन लोगों ने इसे तानाशाही में भी बदल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के किन्हीं 4 कारणों की व्याख्या कीजिए। हमने 2 पढ़े, अभी 4 कारण हम पढ़ेंगे। पहला कारण क्या था? पहला कारण था पार्टी को कुलीन, शिक्षित, व्यापारी, मध्यम वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त था और समाजवादी स्वभाव के कारण किसानों ने भी इसको समर्थन किया। दूसरा, इसमें जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल जैसे कई लोकप्रिय चेहरे थे और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू बहुत करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। तीसरा, कांग्रेस ने ऊपरी स्तर के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी काम किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने की वजह से कांग्रेस बहुत लोकप्रिय हो गई थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द रीजन इज कांग्रेस, नेहरू जी के काल में कांग्रेस ने व्यापक लोकप्रियता हासिल की, लेकिन कांग्रेस के शक्तिशाली संकीर्ण अभिजात वर्ग को मतदाताओं की निम्न स्तर की राजनीतिक चेतना का लाभ मिलता रहा,
पारंपरिक इलाकों ने कांग्रेस को एक पार्टी का प्रभुत्व बनाकर रख दिया, मतलब लोग इस तरह से जुड़ गए। आज भी आप देखते हैं ना कि लोग गांव में, दूर अगर हम रिमोट एरियाज में चले जाएं, बहुत छोटे गांव में, तो आज भी कांग्रेस को लोग वोट देते हैं इंदिरा जी को याद करके, नेहरू जी को याद करके। तो यानी ये सब चीजें, ये जो लेगेसी है वो कांग्रेस ने होल्ड की और हमेशा से होल्ड किए हुए रखी है। सो द रीजंस बिहाइंड द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस, द कांग्रेस पार्टी वॉज सपोर्टेड बाई एलीट्स, एजुकेटेड business class and middle class people. It also got support from peasants because of its socialist nature. Then it had many popular faces like Jawaharlal Nehru, C. Rajagopalachari, Vallabh Bhai Patel. Moreover, Jawaharlal Nehru was charismatic and very popular leader. Congress worked at upper level as well as grassroots level. Congress was popularized due to the participation in civil disobedience movement, and besides, it was holding the legacy of the freedom struggle, and which was the biggest factor, you can say, behind the dominance of Congress party in back-to-back three elections after independence. During period of Nehru ji, Congress attained mass popularity, but the powerful narrow elite of Congress continued to benefit from the low level of political consciousness of the electorates, and the traditional localities made Congress a one-party dominance. तो सबसे बड़ा हाथ यही रहा कांग्रेस का कि जब जो locals थे उन्होंने बहुत साथ दिया कांग्रेस का, और उन्होंने हमेशा से कांग्रेस में को जो dominance है, जो उसका प्रभुत्व है, उसको बनाए रखा था। Next question है, 1959 में, 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की? इस दल की किन्हीं तीन नीतियों और कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। देखो, सिर्फ कांग्रेस नहीं पढ़ना है हमें, उसके साथ साथ और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज है, कम्युनिस्ट पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी है, साथ ही साथ भारतीय जनसंघ है, उनका भी आपको इसमें स्टडी करना है। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में सी राजगोपालाचारी ने की थी, जो पहले कांग्रेस का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। कांग्रेस, इस पार्टी की तीन नीतियां और कार्यक्रम थी। सबसे पहले, स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में कम से कम शामिल हो। ये माना जाता था कि समृद्धि केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के माध्यम से ही आ सकती है। दूसरा, ये अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत योजना, राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की विकास राजनीति की आलोचना करते थे। इसके बजाय इन्होंने एक मुक्त निजी क्षेत्र के विस्तार को समर्थन किया। तीसरा, स्वतंत्र पार्टी कृषि में भूमि की सीमा के खिलाफ थे और सहकारी खेती और राज्य व्यापार का विरोध करते थे। तो ये तीन जो विचारधाराएं थी वो स्वतंत्र पार्टी की सबसे मुख्य विचारधाराएं थी। स्वतंत्र पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सी राजगोपालाचारी इन 1959। थ्री पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द पार्टीज वर, द स्वतंत्र पार्टी वॉन्टेड द गवर्नमेंट टू बी लेस एंड लेस इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द इकोनॉमी। It believed that prosperity could come only through individual freedom. It was critical of the development strategy of state intervention in the economy, centralized planning, nationalization and public sector. It instead favored expansion of a free private sector. The Swatantra Party was against land ceilings in agriculture and opposed cooperative farming and state trading. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन एनी फोर प्रॉब्लम्स बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर होल्डिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप अभी से इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं, चाहे शॉर्ट में पूछा जाए, चाहे लॉन्ग में पूछा जाए, क्वेश्चन आपको पूछा जरूर जाएगा। प्रथम आम चुनाव कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग के समक्ष जो समस्याएं आई, उनमें से किसी चार का वर्णन कीजिए। भारत का चुनाव आयोग जनवरी 1950 में स्थापित किया गया था, और आयोग ने यह पाया कि भारत के आकार और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना आसान नहीं है। इस आकार की वजह से, जनसंख्या की वजह से, प्रथम आम चुनाव कराने के लिए इनके समक्ष जो समस्याएं आई वो क्या थी? एक तो पहली, चुनाव कराने के लिए परिसीमन या चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को चित्रित करना जरूरी था, तो इसी के लिए डेलिमिनेशन कमीशन या परिसीमन आयोग की स्थापना की गई। इसके लिए मतदाता सूचियां या इलेक्टोरल रोल बनाना था। मतदान के लिए पात्र सभी नागरिकों की सूची तैयार करने की भी जरूरत थी। केवल 15% लोग साक्षर थे, और साथ ही साथ देश का आकार बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हुई।
सो द प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन वॉज होल्डिंग एन इलेक्शन रिक्वायर्ड डेलिमिनेशन और ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. सेकेंड वॉज इट वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स और द लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन एलिजिबल टू वोट. Then only 15% of eligible votes were voters were literate, and the worst size of country or the population of the country was the biggest challenge in front of the election commission. Next question: highlight the changes introduced in voting method in India after 1952. Or describe any two significant changes in the method of voting in India since 1952. सीधे सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा घुमाव भी नहीं है, आपको एकदम सीधे से पूछा गया है. 1952 के बाद भारत में मतदान के तरीकों में किए गए परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए, या फिर भारत में मतदान की पद्धतियों में किन्हीं दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए. तो ये तीन तरीके से ये परिवर्तन हुए, तो आपको ये तीन पॉइंट्स बनाने हैं. पहले और दूसरे आम चुनाव के लिए एक जैसे थे, तीसरे आम चुनाव से लेकर 2004 तक अलग था और 2004 के बाद अलग था. तो ये तीन फेजेस हैं. पहले फेज में क्या था, पहले आम चुनाव के दौरान प्रत्येक पोलिंग बूथ में उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह के साथ एक बॉक्स रखा गया. प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र मिला और उसे उस उम्मीदवार के पेटी में छोड़ना पड़ा जिससे वो वोट देना चाहते थे. प्रारंभ में इस उद्देश्य के लिए लगभग 20 लाख स्टील के बक्सों का उपयोग किया गया था. ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अ बॉक्स वॉज प्लेस्ड इन ईच पोलिंग बूथ विद द इलेक्शन सिंबल ऑफ कैंडिडेट. Each voter get a blank ballot paper and had to drop it into the box of the candidate they wanted to vote for. Initially about 20 lakh steel boxes were used for the purpose. Second phase kya tha, teesre se 13ve aam chunav tak ballot paper mein sabhi ummidwaron ke naam, chunav chinh aur prateek the aur ek vote ne ummidwar ko stamp lagani thi, jo voters tha usko ummidwar ke samne stamp lagani thi. इस तकनीक ने लगभग 40 साल तक काम किया, लगभग 40 इयर्स आप मान सकते हो कि 2004 में ईवीएम का यूज जो है ऑल ओवर द कंट्री किया गया और शुरू ये हुआ था 1962 से. तो आप ये देखिए कि 1962 से लेकर 2004 यानी कि लगभग 40 साल तक ये चला. इन थर्ड टू 13th इलेक्शन बैलेट पेपर्स कैरिड द सिंबल एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट्स and voters had to put a stamp on the candidate's name in front of the candidate's name. This technique worked for 40 years. In the end of 1990s, the election commission introduced electronic voting machine aka EVM, and in 2004 it was used extensively all over the country. 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की शुरुआत की और 2004 में पूरे देश में इसका व्यापक उपयोग किया गया और अब इसी का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फ्रॉम 1920 टू 1950. 1920 से लेकर 1950 तक भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके कामकाज की व्याख्या आपको करनी है. 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित हुई और इसने देश को प्रभावित करने वाली सारी समस्याओं के समाधान के रूप में किसकी वकालत की, समाजवाद की वकालत की. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, जिसको भाकपा भी कहा जाता है, 1935 में विभिन्न विचारधाराओं के साथ कांग्रेस की छत्रछाया में काम किया यानी कांग्रेस के अंडर ही काम किया था. 1941 में सीपीआई ने विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ अंग्रेजों का समर्थन किया, हालांकि इसके लिए कांग्रेस से और इसके संबंध काफी बिगड़ गए थे. पार्टी ने संविधान सभा में आवाज उठाई और ये कहा कि भारत वास्तविक है या महज एक बहाना है, यानी हमें वास्तव में आजादी मिल भी रही है या नहीं मिल रही है. और बाद में इसने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को भी बढ़ावा दिया और उसके बाद सीपीआई ने आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया था. यानी बहुत मुश्किल से सीपीआई ने अपने आप को मुख्य धारा में डालने का काम किया था. इन 1920 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआई वॉज इंस्पायर्ड बाय द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया एंड इट एडवोकेटेड सोशलिज्म एज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द कंट्री. सीपीआई वर्क्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कांग्रेस फ्रॉम 1935 एंड विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज. इन 1941 सीपीआई सपोर्टेड द ब्रिटिश अगेंस्ट द जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर, देयरफॉर इट्स रिलेशन विद कांग्रेस वॉज
was separated or you can say destroyed, the party raised the voice of Constituent Assembly and said that India was real or merely a facade. क्योंकि वास्तविकता में जिस तरह भारत का टुकड़े किए गए, भारत के प्रिंसली स्टेट्स को आजादी दी गई, वो चीजें उन चीजों का समर्थन भाकपा ने कभी किया ही नहीं था. इट ऑल्सो एनकरेज्ड वॉयलेंट अपस्प्रिंग्स इन तेलंगाना आफ्टर देयर आफ्टर सीपीआई डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन जनरल इलेक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द प्रिवेलेंस ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस एडवर्सली अफेक्ट द डोमिनेंट नेचर ऑफ और डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडिया. एक दलीय प्रभुत्व की प्रणाली के चलते भारतीय राजनीति की लोकतांत्रिक प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ा, क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ये भी पूछा जा रहा है इसमें, और अगर पड़ा तो कैसे पड़ा. एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली ने अराजकता और अत्याचार स्थापित करने का प्रयास किया. देखो पूरे चैप्टर में हमने इनके बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें पढ़ी, लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा, ठीक है ना, जरूरी भी है क्योंकि आपको दोनों एस्पेक्ट पता होने चाहिए. और संवैधानिक व्यवस्था का संकट लाया, कैसे लाया, इसने कांग्रेस पार्टी को इतना शक्तिशाली बना दिया कि पार्टी ने अदालतों द्वारा जो फैसले दिए गए थे उनको भी चुनौती देने का शुरू कर दिया था. इसे नौकरशाही के साथ साथ कार्यपालिका की गलत मिलीभगत स्थापित करने का भी अवसर मिला और काफी अत्याचार भी हुए. लोगों को धीरे धीरे उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया और देश के संविधान में कुछ गलत बातें शामिल कर दी गई. उदाहरण के लिए भारतीय राजनीति को लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले एक दल के प्रभुत्व को इस प्रकार देखा जा सकता है. 1951 और 1957 में नेहरू और इंदिरा गांधी ने पहले केरल में और बाद में इंदिरा गांधी ने पंजाब में आपातकाल लगाया था. 1951 और 1975 में इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाया था. 1975 से 1977 में लाल फीताशाही, या जिसको कहते ना कि फाइलें जो है ब्यूरोक्रेसी में अपने आप नहीं चलती हैं, फाइलें ब्यूरोक्रेसी में चलानी पड़ती है, तो चलाना बंद कर दिया और बहुत से मामलों को अटका दिया गया था. इंदिरा गांधी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कई आदेशों की अवहेलना की गई. तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वेरी डोमिनेंट नेचर में थी उस समय. इसलिए द वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम ट्राइड टू एस्टेब्लिश एनार्की एंड tyranny and brought crisis to the constitutional order. It made the party so powerful that the party dared to challenge the verdict passed by the courts also. It also found opportunity to establish wrongful collusion of executive with bureaucracy and thus atrocities were inflicted. People were gradually denied and fundamental rights are also violated. Amendments were made in constitutions of the country. For example of one party dominance affecting the democracy in Indian politics, in 1951 and 57 and 75, Nehru and Indira Gandhi imposed emergency and Kerala in Kerala and Punjab respectively. In 1975 to 77, red tapeism witnessed and defense to the old order of Allahabad High Court and Supreme Court of the India by Indira Gandhi. तो बहुत ऐसी चीजें हुई जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोकतांत्रिक प्रकृति के खिलाफ थी. Next question है, for a long time Congress party had been a social and ideological coalition. Justify the statement. बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन रही है, ठीक है ना. किस तरह से सामाजिक गठबंधन रही, किस तरह से वैचारिक गठबंधन रही, इस कथन की पुष्टि करनी है. तो इसके इस प्रकार के चरित्र के कई कारण थे. क्या कारण थे, कांग्रेस की शुरुआत अंग्रेजी भाषी उच्च जाति और उच्च मध्यम वर्ग और शहरी अभिजात वाले प्रभुत्व पार्टी के रूप में हुई थी. शुरुआत तो बड़ी एलीट क्लास की तरह हुई थी. प्रत्येक सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने के साथ इसका सामाजिक आधार और व्यापक होता गया. लोगों से जमीनी स्तर पर यह पार्टी जुड़ती गई. इसने विविध समूहों को एक साथ लाया जिसके जिनके हित परस्पर विरोधी थे, लेकिन सबको साथ में लेकर चली. ऑल इंक्लूसिव नेचर था. किसान, उद्योगपति, शहरी निवासी और ग्रामीण, श्रमिक और मालिक, मध्यम, निम्न और उच्च वर्ग, सभी जातियां, सबको कांग्रेस में जगह मिली. साथ ही साथ स्वतंत्रता के समय तक कांग्रेस एक इंद्रधनुष के जैसे सामाजिक संगठन में तब्दील हो गई, जो व्यापक रूप से वर्गों, जातियों, धर्मों, भाषाओं और विभिन्न हितों के संदर्भ में भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करती थी. और यही वजह थी कि कांग्रेस का बेस जो था वो इतना व्यापक हो गया था.
आफ्टर इट्स ओरिजिन इन 1885 कांग्रेस पार्टी इवॉल्व्ड एज एन आइडियोलॉजिकल एंड सोशल कोएलिशन व्हिच गेव इट अनयूजुअल स्ट्रेंथ देयर वर मेनी फैक्टर्स एंड द फैक्टर्स आर द फर्स्ट इज द कांग्रेस बिगन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलीट बट विथ एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च्ड इट्स सोशल बेस वाइडन्ड It brought together diverse groups whose interests were often contradictory. Peasants and industrialists, urban dwellers and villages, workers and owners, middle, lower and upper classes and castes all found space in Congress. And by the time of independence, the Congress was transformed into a rainbow-like social coalition, broadly representing India's diversity in terms of classes and caste, religion and language and various interests. So, सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं, कांग्रेस की विचारधारा कभी भी एक सिंगल विचारधारा नहीं रही, इसने सब विचारधाराओं को अपने अंदर समाहित करके और चली है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक दल का प्रभुत्व मेक्सिको के एक दलीय व्यवस्था से किस तरह भिन्न था. इससे पहले हमने पढ़ा वो दुनिया में मेक्सिको में जो पीआरआई है उससे किस तरह से स्पेसिफिकली अलग था, ये पढ़ना है. आपकी राय में दोनों में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था बेहतर है और क्यों. भारत में एक दलीय प्रभुत्व और मेक्सिको में एक दलीय व्यवस्था में अंतर था. मेक्सिको में केवल एक दलीय प्रणाली है, प्रभुत्व नहीं, क्योंकि भारत में लोकप्रिय आम सहमति की ओर से कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था, लेकिन मेक्सिको के संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी या कि जिसको पीआरआई कहते हैं उसने पूर्ण तानाशाही की तरह शासन किया. भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए जहां चुनाव हारना भी उचित था, लेकिन मेक्सिको में चुनाव पीआरआई के वर्चस्व वाले कदाचार पर आधारित थे. उन्होंने संविधान को ही वैसे बदल दिया कि चुनाव वही जीत सके. हमारी राय में इस तरह के प्रभुत्व के कारण भारत जैसे एक दल का प्रभुत्व बेहतर है. क्यों बेहतर है? एक तो ये सामाजिक विविधता को समायोजित करता है, बड़ी संख्या में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, लोकतांत्रिक भावना सुनिश्चित करने के साथ साथ उनमें आपस में मेल बनाए रखता है और विरोधियों का भी सम्मान करता है. ठीक है. There was a difference between the party dominance in India and one-party system in Mexico. In Mexico, this was a one-party system only, not dominance, because in India, the Congress party dominated on behalf of popular conscience, but Institutional Revolutionary Party, or as known as PRI, of Mexico ruled on behalf of perfect dictatorship. In India, free and fair elections took place, where the losing of elections was also fair, but in Mexico elections were based on malpractice dominated by PRI. In our opinion, one party dominance like India is better because this sort of dominance accommodates social diversities, encourage large number of partnership, ensure democratic spirit, as well as maintain the community welfare and bear respect even for opposition. Next question is, explain how the general election of 1952 in India was a landmark in the history of democracy all over the world. ठीक है ना, अब ये बहुत important question है जो ये पूछता है कि बताइए भारत में 1952 का आम चुनाव कैसे पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ. चुनाव और लोगों का प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक दर्शन का मार्गदर्शक सिद्धांत है, और भारत का पहला आम चुनाव एक गरीब और अनपढ़ देश में लोकतंत्र की एक बड़ी जो है परीक्षा के रूप में सामने आया था. 1952 में हुए आम चुनाव से पहले चुनाव के महत्व को इस तरह से समझा जा सकता है, ये 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच आयोजित हुआ. पहले लोकतंत्र केवल समृद्ध देशों में ही था, जो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर देश थे ना वही था, यानी मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जहां लगभग सभी साक्षर थे. इस संबंध में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ भारत का प्रयोग भी बहुत साहसिक और जोखिम भरा था. कुछ विद्वानों का कहना है कि यह इतिहास में सबसे बड़ा रिस्क लिया गया था. एक पत्रिका है जिसका नाम था ऑर्गेनाइजर, उसके आयोजक ने तो यहां तक लिखा कि जवाहरलाल नेहरू भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की विफलता को स्वीकार करने के लिए जीवित रहेंगे, मतलब वो अपने जीते जी इसकी विफलता देख के जाएंगे. Election and people's representation in guiding principle of democratic philosophy and India's first general election was the big test of democracy in a poor and illiterate country.
द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1952 कुड बी अंडरस्टूड एज फॉलोज. इट वॉज हेल्ड बिटवीन 25th of October 1951 and 21st of February 1952. Earlier democracy had existed only in the prosperous countries, i.e. mainly in Europe and North America, where nearly everyone was literate. In this regard, India's experiment with universal adult franchisee appeared very bold and risky. Some scholars state that it was the biggest risk in history. Organizer of a magazine, organizer wrote that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchisee in India. The first general election, which were conducted for 489 constituencies, represented 26 million states, 26 Indian states. At the time, there were 314 constituencies with one seat, 86 with two seats and one with three seats, and it became the landmark in the history of democracy all over the world. It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in election condition of poverty or lack of education. It proved that democracy could be practiced anywhere in the world. Following steps were taken to hold first general election. The Election Commission of India was set up in 1950. Electoral roll for eligible voters, then delimitation or drawing the boundaries of the electoral constituencies was completed, and over 3 lakh officers and polling staffs to conduct the elections were trained. तो पहले आम चुनाव में 489 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए यह आयोजित हुआ. उन्होंने 26 भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व किया. एक सीट के लिए 314 निर्वाचन क्षेत्र, 86 दो सीटों के लिए थे और एक 3 सीटों के साथ था. ये पूरे विश्व में लोकतंत्र के इतिहास का एक मील का पत्थर बन गया. ये तर्क देना अब संभव नहीं था कि गरीबी या शिक्षा की कमी की स्थिति में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हो सकते थे. इसने ये साबित किया कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र कायम किया जा सकता है. प्रथम आम चुनाव के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए थे? भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 1950 जनवरी में. पात्र मतदाताओं की सूची तैयार की गई. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पूरा किया गया और 3 लाख से अधिक अधिकारियों और मतदान कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया और 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोटिंग के इस महाकुंभ में भाग लिया था. तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये डोमिनेंस था, किस तरह से चुनाव बहुत इंपॉर्टेंटली हुए और किस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं. अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो यकीन मानिए कि कोई भी क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस से बाहर नहीं जाएंगे. ठीक है, इन क्वेश्चंस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आप कह नहीं सकते, लेकिन जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा. ठीक है, तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन आंसर सेशन यहीं खत्म होता है. जल्दी ही मिलेंगे अगले चैप्टर के और डिस्क्रिप्शन वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.